फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल मीरू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और हमारे मार्केटिंग मॉड्यूल में हम समझ रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। अभी तक हम 7 कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, एंड जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो रहेगा कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी कि कैसे हम नीड्स डिमांड्स को समझ के वैल्यू जनरेट करें, और वैल्यू जनरेट होने के बाद उसको कैप्चर भी तो करेंगे। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे कि कस्टमर से वैल्यू को कैसे कैप्चर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, हम ऑलरेडी अब तक क्या कर चुके हैं, हम कस्टमर को एंगेज कर चुके हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर चुके हैं सुपीरियर वैल्यू देते हुए। ये काम हमने ऑलरेडी अभी तक मार्केटिंग में समझ लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें वैल्यू को कैप्चर करना है। वैल्यू किस फॉर्म में कैप्चर होती है? देखिए, चाहे आप कितनी मार्केटिंग कर ले, एट द एंड जो है ना, आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं या इवन आप छोटी सी दुकान में काम कर रहे हैं, हमेशा 3 चीजों की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेल्स की। सेल्स का मतलब आपका सामान कितना बिक रहा है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो है वो होता है मार्केट शेयर का। मैं आपको मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चीज है जिसका 100 रुपए का बिजनेस है, उसमें से आप अगर 10 रुपए का बेच रहे हैं तो आपका मार्केट शेयर हो गया 10/100, यानी कि 10%। तो हमेशा हर कंपनी का टारगेट ये होता है कि वो मार्केट शेयर को बढ़ाती जाए, कि भाई हम कैसे मार्केट में अपना जो हमारा शेयर है उसको बढ़ाएं। और तीसरी बात होती है प्रॉफिट की। अब सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने या सेल्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना, आपके कुछ खर्चे भी हो रहे होंगे। प्रॉफिट क्या होता है कि आपने कितना खर्चा लगा उस सामान को बनाने में और आपने कितने में उसको बेचा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सेलिंग प्राइस को जो है एक लिमिट ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए 5 कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है, उसको 10 रुपए में बेचनी है, तो सेलिंग प्राइस को कहीं ना कहीं आपको भी 10 ही रखना पड़ेगा। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जो सेकंड पार्ट है कॉस्ट प्राइस, उसको कम कीजिए। जो आपके खर्चे हो रहे हैं उनको कम कीजिए, उसमें एफिशिएंसी लाइए ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। तो आपको समझ में आया वैल्यू के 3 कॉन्सेप्ट, सेल्स, मार्केट शेयर और प्रॉफिट। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे 3 कॉन्सेप्ट जिस पे हर कंपनी काम करती ही करती है। अब हम मार्केटिंग वाले बंदे हैं, हमें और किसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है? हमें समझना पड़ेगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज कस्टमर मेक्स ओवर अ लाइफ टाइम। अब एक कोई मान लीजिए कंज्यूमर है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि इसको सिर्फ आज खरीदेगा या एक महीना खरीदेगा या एक साल, उसको उस चीज की जरूरत तो अपनी पूरी लाइफ में पड़ेगी ना। तो उस पूरी लाइफ में अगर आप उसको वो चीज बेचते, कितने का बेचते, वो उस पर्टिकुलर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं आपको। मान लीजिए आप बिस्किट बनाते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं एक आदमी का, मिस्टर श्याम। अब मिस्टर श्याम जो है वो मान लीजिए महीने में जो है 100 रुपए के बिस्किट्स, आपके वाले बिस्किट्स खरीदते थे। अब महीने में वो 100 रुपए के खरीद रहे हैं, साल में कितने के खरीदेंगे? 1200 रुपए के। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए मिस्टर श्याम 50 साल तक ये परचेस कर रहे हैं, तो 50 × 120 जो होगा वो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होगी आपके लिए। समझ में आया वो कॉन्सेप्ट? अब एक रिसर्च में क्या पता लगता है कि आप जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ना, उनको मेंटेन रखिए। क्यों? क्योंकि उनको मेंटेन करना आपके लिए आसान होगा। एक नए कस्टमर को एक्वायर करने में 5 गुना, मेरे दोस्तों सिर्फ 1 या 2 गुना नहीं, 5 गुना खर्चा आता है। तो समझ गया आप कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर 100 रुपए खर्च करके एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रख पा रहे हैं ना, तो नया कंज्यूमर लाने में 500 रुपए खर्च हो जाएंगे आपके। और अभी हमने क्या बात की थी, प्रॉफिट कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस को कम करने का, कॉस्ट में ये कॉस्ट भी आती है, समझे आप। इसके बाद हम समझते हैं ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर। ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर का क्या है? देखिए, अभी तो हमने बात की थी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की, मिस्टर श्याम का एग्जांपल लिया था। अब वही बात है ना, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें कस्टमर आपका कितना खरीद रहा है कंपेयर टू कंपटीशन, वो आपका कहीं ना कहीं शेयर बताता है। इसको फिर उस चीज से समझ लीजिए। मान लीजिए आप कुछ मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप दूध दही ये सब कुछ बनाते हैं, और एक आदमी जो है महीने में 10,000 रुपये इसके ऊपर खर्च करता है, इतना ही उसका बजट है। अब 10,000 रुपये वो खर्च कर रहा है, उसमें से आपके ब्रांड का जो है वो मान लीजिए 7,000 रुपये का खरीद रहा है, बाकी 3,000 वो अदर किसी ब्रांड का खरीद रहा है किसी भी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो आपका कितना शेयर हुआ? आपका शेयर हुआ 70%, 7,000/10,000। तो ये होता है कस्टमर शेयर। आपको इसको ग्रो करते जाना है। क्यों?
अभी वो 3000 का कहीं ना कहीं कंपटीशन के पास जा रहे हैं ना, क्यों जाने थे उसके पास, पूरा अपने पास लेके आते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये जो होता है इसको अलग अलग टर्म्स में जाना जाता है। डीलर के केस में इसको काउंटर शेयर बोला जाता है। कैसे, मान लीजिए आप पेंट के डीलर हैं, महीने का आप जो है 1,00,000 का पेंट अगर खरीद रहे हैं अलग अलग कंपनीज में से, और उसमें से कोई एक कंपनी है मान लीजिए, वो कंपनी का जो है वो 20,000 का खरीदा जा रहा है, तो उस कंपनी का काउंटर शेयर कितना हो गया, 20,000/1,00,000, 20%। तो उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या एम होगा, देखिए 80,000 कभी अभी भी कहीं ना कहीं और जा रहा है ना, तो उस 20 को ग्रो कीजिए। वो डे वन से 20 का जो है 1,00,000 नहीं आ जाएगा, अगले महीने कोशिश कीजिए कि वो 20% से 25% हो, फिर 30% हो, ऐसे उसको ग्रो करके जाइए। अब यही बैंक के केस में इसको शेयर ऑफ वॉलेट बोला जाता है, एयरलाइन के केस में इसको शेयर ऑफ ट्रेवल बोला जाता है। कॉन्सेप्ट वही है कि जितना टोटल खर्चा हो रहा है उसमें से आपको कितना मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया, इस शेयर ऑफ कस्टमर को मैं बढ़ाऊं कैसे, तो इसको बढ़ाने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, ऑफर ग्रेटर वेराइटी, आप उसी कस्टमर को ज्यादा वेराइटी दीजिए ना। अब जो मैंने मिल्क प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया था, अब कारण की बात करते हैं। हो सकता है आप अच्छा दूध, दही, छाछ ये सब कुछ तो दे रहे हो, लेकिन मिल्क के कुछ और प्रोडक्ट्स भी तो होते हैं। हो सकता है आपका जो बटर है या जो आपका चीज है वो उतना अच्छा ना आ रहा हो, या उस एरिया में जा ही ना रहा हो, इसी वजह से वो जो 3,000 था वो कंपटीशन के पास जा रहा था। या जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था पेंट का, जो 80,000 बाकी चीजों में जा रहा था, हो सकता है आपके पास कोई पर्टिकुलर टाइप का पेंट या कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट उस कैटेगरी में हो ही ना। तो आपको क्या करना है, आपको वैरायटी को बढ़ाते जाना है। अब अगर आपके पास ही पूरी वैरायटी होगी तो किसको शौक है कि वो 10 अलग अलग ब्रांड की चीजें खरीदे, वो भी आपसे ही खरीदेगा ना। तो पहला तरीका आप समझ गए। अब इसके बाद 2 तरीके और हैं, उसमें से दूसरा तरीका होता है कि आप क्रॉस सेल करने की कोशिश कीजिए। अब क्रॉस सेल क्या होता है, देखिए क्रॉस सेल का मतलब ये होता है कि कोई कस्टमर कुछ खरीदने आया ना, तो उससे रिलेटेड चीजें भी आप उसको बेचने की कोशिश कीजिए, वो होती है क्रॉस सेलिंग। अब आप कहेंगे क्रॉस सेलिंग का एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखिए ना, अब कोई आपके पास अगर आया है दूध लेने के लिए या दही लेने के लिए, तो ये हो सकता है कि आपको जो है उसको जो है किसी और चीज की रिक्वायरमेंट हो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में। या कोई अगर आपके पास मान लीजिए ब्रेड लेने के लिए आया, तो आप उससे पूछिए कि भाई ब्रेड लेने के लिए आया है तो देखो मक्खन भी तो चाहिए होगा ना, मक्खन भी मुझसे ले ले। तो आपने क्या किया, आपने क्रॉस सेल किया। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई आपके पास जो है मोबाइल फोन लेने के लिए आया है, तो सिर्फ फोन दे के आप थोड़ी ना रुक जाएंगे, क्या क्रॉस सेल कर सकते हैं आप मोबाइल का कवर उसको क्रॉस सेल कीजिए, अच्छे से कवर आप ही दिखा दीजिए, क्यों अमेजोन से मंगाए, आप उसको स्क्रीन गार्ड होता है वो दिखा दीजिए। कार खरीदने जाते हैं, वो कार वाला भी तो एक्सेसरीज बेचता है ना कुछ करके, ये सब क्या है, क्रॉस सेलिंग। अब इसके बाद आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, तीसरा कॉन्सेप्ट है अपसेल। अपसेल का मतलब होता है देखिए अप मतलब कोई अगर कोई पर्टिकुलर मॉडल खरीदने के लिए आया, तो आप कोशिश कीजिए आप उसको उसे बेहतर मॉडल बेचने की कोशिश करें, हालांकि वो हायर प्राइस पे होगा, बट आपको उसको बेनिफिट समझाने हैं। इसका एग्जांपल भी समझते हैं, कोई मोबाइल की अभी हम बात करें तो उसी से समझ लेते हैं। कोई मान लीजिए 10,000 का फोन आपसे खरीदने के लिए आया है, तो अपसेलिंग में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अरे सर क्या बात, अच्छी बात आप मोबाइल फोन ले रहे हो, अरे बहुत शानदार फोन है सर 10,000 का जो आप देख रहे हैं, लेकिन सर आप 10,000 खर्च कर रहे हैं, 2,000 और निकाल लीजिए ना। आप कहेंगे 2,000 क्यों, अरे सर इसमें 4GB रैम है आज के टाइम में, और स्पेस जो है 64GB है, आप एक नया फोन 2,000 जो ऊपर खर्च करेंगे ना उसमें 6GB और 128GB मिल जाएगी। आपको भी लगेगा हाँ यार अगर 2GB 2,000 एक्स्ट्रा खर्च करके इतना मुझे मिल रहा है तो क्यों ना मैं ये चीज कर लूँ। फ्रेंड्स ये थी अपसेलिंग। तो आप समझ गए तीन तरीके, आप पूरी कैटेगरी के प्रोडक्ट दीजिए, आप अपसेल कीजिए, आप क्रॉस सेल कीजिए। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि आप देख लीजिए अमेज़न का जो प्राइम प्रोग्राम है उसमें वो क्या करता है, उसमें वो यही सब कुछ तो कर रहा है। एक कस्टमर को ये कहेगा कि आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, मिनिमम इतने के प्रोडक्ट्स लीजिए, ये बेनिफिट आपके लिए ही आया है इसको लीजिए। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर जो था ना अमेज़न का, उसको प्राइम मेंबर बना के उसको बेनिफिट दे रहे हैं। कंज्यूमर सोच रहा है कि मेरा फायदा है, आपको क्या पता कंपनी का भी कितना फायदा हो रहा है उसमें। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कस्टमर इक्विटी का। तो कस्टमर इक्विटी क्या होती है, कंबाइंड कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू ऑफ ऑल दी कंपनीज कस्टमर, इसको कस्टमर इक्विटी बोलते हैं। इसको बड़ा समझते हैं दोस्तों, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं, आपको मिस्टर श्याम का एग्जांपल ध्यान है कि मिस्टर श्याम जो है हमने बात की थी साल में जो है वो खर्च कर रहे थे 1,200 रुपए और 50 साल उनकी लाइफ थी। अब मिस्टर श्याम जैसे और भी तो कस्टमर होंगे, मान लीजिए हमारे 100 कस्टमर हैं,
तो उन 100 कस्टमर की सबकी लाइफ टाइम वैल्यू को निकाल के आप आपस में जोड़ दीजिए, वो आपकी कस्टमर इक्विटी है। अब ये क्यों जरूरी है, देखिए हमने क्या कहा था, सेल्स बढ़ा लो, मार्केट शेयर बढ़ा लो, लेकिन हो सकता है कल को कुछ नया आए और आपका एकदम से मार्केट शेयर ही चला जाए। बट आप कस्टमर इक्विटी पे फोकस करेंगे ना, तो आपने एक कंज्यूमर नहीं सारे कंज्यूमर्स की पूरी लाइफ टाइम को ही कैलकुलेट कर लिया। तो कंपनी का अल्टीमेट एम होना चाहिए कस्टमर इक्विटी को बढ़ाना, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने का। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको समझ में कैसे कस्टमर से वैल्यू को लेके आए, क्या करें, कैसे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाए, क्रॉस सेल अप सेल, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें बताइए। और नेक्स्ट वैल्यू में हम जानेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप के जो अलग अलग कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, टेक केयर।